top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting-edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. That you are no more wanted now, it's better you leave the mic. Hope that situation will not come today. Friends, when we talk anywhere in the national and international forums, we don't talk of our foreign reserves values. Definitely, हम कहीं ये बात नहीं करते कि मेरे देश में कितनी dollars हैं, कितने reserves हैं, करोड़ हैं, अरब हैं, billion हैं, trillion हैं. लेकिन ये जरूर बात करते हैं कि मेरे देश के पास वो फिल्मी स्टाइल है, मेरे पास माँ है. तो ये बात जरूर करते हैं कि मेरे पास भारत की घनी संस्कृति, भारत की रिच हेरिटेज मेरे पास है, जो मेरी सबसे बड़ी पूंजी है. और मैं समझता हूँ इस पूंजी के कस्टोडियंस, संरक्षक यहाँ बैठे हैं. मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ. आदरणीय अध्यक्ष, आदरणीय श्री रतन जी, श्रीमान ओमपुरी जी, वामन जी, जो इसके सिर्फ निर्देशक नहीं है बल्कि इसी में जीते हैं, इसी में खाते हैं, इसी में पीते हैं, इसी में नहाते हैं. मैं समझता हूँ ड्रामा ही उनका जीवन बन गया है. और सच पूछे तो मुझे, जब मैंने पहली बार उनसे मुलाकात की, तो मैंने मुलाकात अपने स्वार्थ में की थी, उनके स्वार्थ में नहीं की थी. क्योंकि मैं डॉक्टर आदमी राजनीति में आ गया तो ड्रामा को भी समझ लूं. और बल्कि जिस मंत्रालय की मुझे जिम्मेदारी दी गई थी, संस्कृति, पर्यटन और नागरिक उड्डयन, तीनों में एक बड़ा अच्छा सामंजस्य था. और उसके लिए स्लोगन जो मुझे मिला मेरे प्रधानमंत्री जी ने, कि भारत की इस घनी संस्कृति को टूरिज्म के माध्यम से सिविल एविएशन के पंख लगाकर विश्व के कोने कोने तक पहुंचाएं, ये हमारी सोच होनी चाहिए. बनी है वाणी त्रिपाठी जी, कमल जी. जब से मुझे जिम्मेदारी मिली और मैंने प्रयास किया कि संस्कृति मंत्रालय से जुड़ी हुई हेलन जी बैठी हैं यहाँ, कि जितनी संस्थाएं यहाँ पर हैं, और जब हमारे पास कहने को मां के रूप में भारतीय संस्कृति, भारतीय नाट्य, भारत का नाटक और भारतीय कला, भारत का साहित्य है, तो मुझे पीड़ा होती है जब हमारे देश का युवा टूरिज्म के माध्यम से घूमने का सपना देखता है, तो वह देखने के लिए कहीं सिंगापुर, कहीं थाईलैंड, कहीं मलेशिया जाता है, बिना इसके खोजे कि संस्कृति का खजाना, इस टूरिज्म, इस प्राकृतिक संपदा का खजाना तो मेरे अपने देश में है. और जब मैं पहली बार नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा देखने गया, विजिट करने, मैंने बताया कि अपने साथ अपने स्वार्थ में देखने गया था, अपनी नौकरी, अपनी ड्यूटी का हिस्से के रूप में देखने गया था, कोई एहसान नहीं था किसी पर मेरा, कि जो मंत्रालय मुझे दिया गया मैं उसे ढंग से समझूं. तो इतनी खूबसूरत जगह पर दिल्ली में कोई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट आए, उनकी ने सच्चाई बता दी कि वक्त में बदलाव आया, उनकी जैसे छात्र यहां से निकले, जिन्होंने पहचान दी जगह को, बना नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को मुंबई जैसा शहर ना पहचाने. आज पहचान ये बन गई है कि अगर वास्तव के अंदर एक जिंदा दिल कलाकार चाहिए, आर्टिस्ट चाहिए, तो एनएसडी का स्टूडेंट हो तो बेहतर होगा. ओम जी जैसे कलाकारों ने स्कूली पहचान दी, श्याम जी जैसे, ओम वामन जी जैसे निर्देशकों ने नई दिशा. आप सब समझ जाए, आपने देखा बीच के अंदर एक कागज का पन्ना आया था मेरे पास, बीच हमारे सचिव महोदय सामने बैठे, उन्होंने लिख के दिया आचार संहिता लगी हुई है, कुछ उल्टा सुलटा मत बोल. शाम को ही मफलर वालों की तरफ से मुकदमा हो जाएगा कि आचार संहिता का उल्लंघन केंद्रीय मंत्री ने किया, और साथ में दोषी पाए गए मामा केंद्रीय जी. जैसे कहते हैं ना, आत्महत्या के लिए, आत्महत्या करने वाले का तो दोष होता है, लेकिन उसको जो इंस्टिगेट करता है वो भी पूरा दोषी माना जाता है. तो उसमें मुझे लगता है कहीं ओम भाई भी, ओम भाई जी तो बड़े कलाकार हैं. हमारे राजनीति में कलाकार शब्द थोड़ा सा घटिया, पॉलिटिशियन को जब कहते हैं अरे बड़ा कलाकार पॉलिटिशियन, इसका मतलब गपशप, झूठी सच्ची बातें. लेकिन वास्तव में मैं समझता हूं कलाकार का दिल बड़ा कोमल होता है, बड़ा नाजुक होता है.
और मैं बताऊं क्या मुझे इतना डरा दिया था वामन जी ने, जब मैं आज आया तो पॉलिटिकल सभा की चुनाव प्रचार चल रहा था, तो मैं उनसे कहने के, मैंने कहा मुझे 6 बजे ठीक पहुंचना है, 10-20 मिनट इधर उधर हो जाऊं, मैंने कहा वो तो दिल्ली की सड़कें पता नहीं 20 मिनट पहले पहुंचा दें, 20 एक घंटे बाद पहुंचाए कुछ नहीं पता। मैंने कहा यहाँ कलाकार होंगे, बड़े नाजुक दिल्ली होते हैं, बड़े अहम भाव होते हैं और विदेशी भी लोग होंगे, तो आप सही समय पर आ जाना। आज समझिए मैं अपनी राजनीतिक सभा छोड़कर 25 मिनट पहले आ गया उनकी जगह।